वाली जगह को लखनऊ का नाम देते हैं। हम इसक वाले इन्हीं गलियों से आए हैं। हम इत्र से लोगों को उनकी पहचान देते हैं। सभी शार्क्स को मेरा अभिनंदन, आभार और नमस्कार। मैं विदुषी विजय वर्गिया इसक फ्रेग्रेंसेस लखनऊ से हूँ। मैं इंडिया की एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो पिछले 160 इयर्स से परफ्यूम्स बना रही है। ओम त्र्यंबकम मुजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युमुक्षये मां प्रदाय। तो सुगंधि पुष्टि वर्धनम, सुगंध जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य अपने आप में मायने रखता है। मैं परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस के अराउंड ही बड़ी हुई हूँ। ये लेदर स्किन बॉटल एक्चुअली कैमल स्किन की होती है। 200 साल पहले जब कांच की बॉटल्स कम यूज होती थी तो इस टाइप की बॉटल्स यूज करी जाती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि किचन की खुशबू से ज्यादा मैं एक परफ्यूम लैब की खुशबू से कनेक्ट करती हूँ। ये तो खास है, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड होगी ये बॉटल। शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड रिलोकेट हुई, वहाँ के मेरे 2 साल के स्टे में मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी मार्केट और उनके ट्रेंड्स पे रिसर्च करी। जो उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि 150 साल पहले हम लोग यही तो किया करते थे जब हम नवाबों और रसूखदारों के लिए इत्र बनाया करते थे। इस गैप को स्पॉट करते हुए अपनी फैमिली से मिली मुझे जो नॉलेज मिली और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद का बिजनेस इसक फ्रेग्रेंसेस के नाम से स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट रेंज वाले जो फर्स्ट कॉलम है ये वाले लेबल्स जाएंगे साथ में। ठीक है, तो इसको खाली करना है। दबाते बाहर आओगे तो बबल नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों में हमने कस्टमाइजेबल और कलेक्शन बेस्ड आर्टिजनल और जेंडर फ्लूइडिक यानी जो सब लोग यूज कर सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स और अतर्स की रेंज डेवलप करी है और इनको हम ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू और कुछ सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स के थ्रू अभी सेल कर रहे हैं। आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लिया है बट अब हम स्केल करना चाहते हैं और इसके लिए शार्क्स मैं आपसे मांग रही हूँ 50 लाख रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 8% इक्विटी इन माई कंपनी। हाय विदुषी, वेलकम टू लेंसकार्ट। वेलकम टू सॉरी, कितना मार्केटिंग करोगे यार, कभी तो रुक जाओ मेरे भाई, कभी तो रुक जाओ। ये आपके परफ्यूम को भी ग्लासेस बना देंगे। हाय विदुषी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। कुछ बताइए अपने बारे में कि ये बिजनेस आपने अलग से क्यों स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिजनेस मैंने अलग से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जैसे सबको पता होगा फैमिली बिजनेस का पार्ट होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि लड़के ही आगे लेके जाते हैं, उनके हिसाब से बेटियां तो शादी हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से जो मुझे आइडियाज आते थे मैं शुरू में अपनी फैमिली में वो शेयर करती भी थी बट वो लोग एक तरीके से काम कर रहे थे एंड चेंज नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में तो मेरे फादर ने ही काफी रेजिस्ट किया, उन्होंने बोला तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की, एक ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहती हो, ये तो अब नहीं चलता है, देखो हम लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो ही चीज चलती है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो आपने सोचा नहीं इसको ड्रॉप करने का बीच में? बहुत बार सोचा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चिकनकारी का काम करती थी, वो भी लखनऊ बेस्ड ही था लेकिन मैं बैंगलोर में रहती थी और मैं उसको काम करती थी और वो इसीलिए था क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं घुस सकती थी उस समय। लेकिन फाइनली आई टुक द प्लंज अराउंड 2016-17 में एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है।
मुझे अभी भी एक्चुअली फैमिली में कंपटीशन की तरह देखा जाता है. ऑल्दो आज की डेट में मेरे पापा ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया है और अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. एक मिक्स रेंज दे रही हूँ आपको परफ्यूम्स और अतर्स की. इश्क इस सब इश्क है. राइट. नमिता आप जो ट्राई कर रहे हो इतर्स आर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग. This is perfume. This is perfume. Yeah. इसका क्या प्राइस होगा? 3,200 का सिग्नेचर कलेक्शन है. ये काफी महंगा है कंपेयर टू न्यूअर ब्रांड. हाँ हाँ. तो आपको कितना लगता है बनाने में? Anywhere between 350 to 600 rupees. Okay. 90% margin. And secondly, हमारे परफ्यूम्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं. अपने जो लॉन्ग लास्टिंग वाला एंगल भी बोला आपने कहीं कम्युनिकेट नहीं किया है. मतलब वो तो एक क्लियर यूएसपी है. जहाँ तक मेरी समझ है ये इत्र या अत्तर का जो मार्केट है ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट है और परफ्यूम मार्केट जो है वो या तो स्टेबल है या तो इंक्रीजिंग मार्केट है. तो इस बारे में आपकी कोई राय है या कोई डेटा है? आपने रिसर्च किया है? नंबर्स में तो मेरे पास डेटा नहीं है बट आपने सही बोला. एक तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है. इंटरनेशनल ब्रांड्स अतर्स नहीं बनाते हैं, वो लोग परफ्यूम्स ही बनाते हैं और उनके एड्स देख के हम लोग यूज करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं. अतर्स थोड़े महंगे होते हैं परफ्यूम्स के बजाय. वो महंगे क्यों होते हैं? वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो जो मेन जो जूस होता है एक खुशबू का जो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है वो अतर प्योर 100% होता है व्हाइल परफ्यूम में वो 20-25% होता है. आपका रेवेन्यू कितना है? पिछले 6 मंथ्स में हमने अराउंड 18 लाख क्लॉक किया. लास्ट मंथ कितना किया विदुषी? लास्ट मंथ अराउंड 3.5 लाख. फिर आपने कैसे कहा आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है और अभी स्केल करना है? मुझे लग रहा है 2-3 लाख रुपए महीने की सेल में आई डोंट नो इफ दैट इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एज येट. विदुषी आपने अपना प्राइस पॉइंट टेस्ट किया है कंज्यूमर्स के साथ जिन जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? हाँ. जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं? हाँ, बिकॉज हाँ. मुझे ऑनेस्टली प्राइस पॉइंट काफी हाई लगा. हमें ये चीज रियलाइज हुई हमारे डिस्कवरी पैक्स लोग रिपीट खरीद रहे थे. आइडिया ये था कि कोई अगर ये बॉक्स ट्राई कर रहा है अपनी खुशबू पसंद करके आप अपनी नई परफ्यूम जो भी आपको पसंद आ रही है वो खरीद सकते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने वेबसाइट पे देखा बार बार डिस्कवरी पैक्स ही खरीद रहे हैं. अच्छा. फिर हमने उनसे फोन करके पूछा तो एक्चुअली उन्होंने ये बोला हमें आपकी खुशबूएं अच्छी लगती हैं बट हम एक बार में उतना स्पेंड नहीं. क्या प्राइस है इसका? ये 650 का है. वाओ. यू शुड ट्राई दिस. इनका ये इन्होंने दिया है फर्स्ट रेन करके. नेचुरल मिट्टी की खुशबू है. पहली बारिश की तरह ही स्मेल करता है. हमने कभी when I lived in the US कभी किसको कहते हुए सुना नहीं कि गीली मिट्टी की खुशबू फर्स्ट रेन स्मेल. लेकिन इंडिया में इससे बहुत लगाव है लोगों को. हाँ. शायद बचपन याद आता है या कुछ भी याद आता है पता नहीं बट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. वो नेचुरल प्रोडक्ट है. व्हाट डू यू मीन नेचुरल प्रोडक्ट? वो मिट्टी से ही एक्सट्रैक्ट करके सैंडलवुड के बेस के ऊपर बनाया गया है. मैं विदुषी विजयवर्गीय इस तक फ्रेग्रेंसेस लखनऊ से हूँ. मैं आपसे मांग रही हूँ 50 लाख रुपीस इन एक्सचेंज फॉर 8% इक्विटी इन माय कंपनी. विदुषी मुझे आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट. थैंक यू. सबसे पहले तो आपके फैमिली में बैड बेबी स्मेल तो होता ही नहीं होगा. नहीं होता है. बड़ी बड़ी अच्छी खास बात है. मुझे ये बताइए आपने पढ़ाई क्या की क्योंकि मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है बिजनेस एस्पेक्ट में. थोड़ा मुझे बताएंगे आप आपने? हाँ मैंने MBA किया था SMHRD पुणे से. अच्छा? MBA किया है. अच्छा लेकिन वो रिटेन नहीं किया लगता है मुझे कुछ. मैं मेरा ऑनेस्टली कह रहा हूँ. हाँ, आप क्रिएटिव ज्यादा और बिजनेस पर्सन थोड़ा कमजोर लग रहे हैं. क्या ये बात सही है? हो सकता है मेबी. मैं ये बोलना चाहूंगी आपको मैं आपकी जगह होती तो मैं एक यूनिवर्सल ब्रांड नेम रखती और अपने वेबसाइट पे एक पूरा थीम होता जहां एक रेंज होती कॉल्ड इसक व्हिच इज लखनऊ बेस्ड व्हिच इज द आर्टिसनल फ्रेग्रेंसेस नॉट द होल ब्रांड. आई डोंट थिंक इसक एज अ ब्रांड कैन कम्पीट मीनिंगफुली विद अ स्किन और ऑल द इंटरनेशनल वेस्टर्न. अगर आप बोलो कि ये लिपस्टिक 12 घंटे चलती है
तो वो बहुत इजी है इंस्टाग्राम पे फट 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 स्केल करना। पर अगर आप बोल रहे हो कि ये यू नो हेरिटेज एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा लिमिटिंग हो जाता है। तो दैट्स माय थिंग। तो एनीवे, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट राइट नाउ आई डोंट सी इट एज अ बिजनेस। सॉरी बट फॉर टुडे आई एम आउट, बट गुड लक, दिस इज अ ग्रेट कैटेगरी। और एक आखिरी बात, मुझे भी लोगों ने काफी ना कहा था जब मैंने फादर का बिजनेस छोड़ा, लेकिन आज जो shaadi.com बना है वही जिद से बना। तो अपने जिद को मत छोड़िए, लेकिन एक डायरेक्शन ढूंढिए। जैसे अनुपम जी ने भी बोला, बिजनेस साइड पे अभी बहुत काम करना बाकी है। ओके, तो अभी के लिए आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। स्केलेबिलिटी में मुझे मुश्किल लग रहा है, ब्रांड बिल्डिंग में मुश्किल लग रहा है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरे को तो ये लग रहा है, देखो कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एंटरप्रेन्योर भी बहुत जबरदस्त हो, आपका डिटेल ओरिएंटेशन है, डू इट योरसेल्फ है, इतना कुछ आपने ये सोच लिया है। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। टीम आपके पास है नहीं, विजन भी नहीं है अभी, तो करा जा सकता है, पर यार पार्टनर इक्वल बनना पड़ेगा मुझे इसमें। इक्वल? हाँ। मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो ये अपना 150 साल पुराना बिजनेस परफ्यूमरी का आगे लेके जा रही हूँ और एक नई तरीके से अपनी पहचान बना रही हूँ। शुरू में मेरे पास लिमिटेड फंड्स थे, फाइनेंशियली चाची ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड चाचा ने मुझे खुशबू के फॉर्म में सपोर्ट किया, उनकी खुशबू की सेंस बहुत अच्छी है। देखो विदुषी, जो हम लोग जैस्मिन की तरफ जा रहे थे, वेरी क्लोज चाचा, हमारे घर की बेटी तो आगे होनी ही चाहिए और ये हमारा फैमिली बिजनेस है। इनका और टिनी का वैसे भी बचपन से बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्डिंग रहा हुआ है, तो डेफिनेटली हमने कहा यस, जाना ही है, करना ही है। चाची के पास कितनी इक्विटी है? 50% दोनों ने साथ में। उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? हम लोग ने मिलके उन्होंने 8 लाख किया है, मेरा 9 लाख है। आपने 50% दे दिया उनको? हाँ। क्यों, काम तो आप करती हैं सारा, तो 8 लाख में 50% कैसे मिल गया? मेरा ये एडवाइस रहेगा, यहाँ पे चाची को उन्होंने 8 लाख डाले हैं ना, उनको इंटरेस्ट जितने साल उन्होंने डाले हैं 12% का इंटरेस्ट लेके चाची को वापस कर देना पैसे। पीयूष, मैं कोई ऐसे कुछ नहीं बोल रही, बट मेरी चाची ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया जब कोई और नहीं। डिसीजन मेकर दो रहेंगे खाली, आप और मैं। चाची को इन्वॉल्वमेंट में अगर रहेगी बिजनेस में, तो मैं इसमें आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये कंडीशन है कि चाची हैज टू एग्जिट द बिजनेस। तो मेरा ऑफर है आपको 50 लाख रुपए फॉर 50%। मैं आपको एक काउंटर ऑफर दे सकती हूँ, क्या 50 लाख 30% में करने को तैयार हैं? नहीं, मैं इसमें 50% से नीचे नहीं आ पाऊंगा। I'll just take 2 minutes. Yes. पीयूष बंसल saying वो 50 lakhs invest करने को तैयार हैं, but 50% इक्विटी के लिए 16 घंटे लॉन्ग लास्टिंग मैं डेफिनेटली करूंगी। जब इक्वल पार्टनर हैं तो फिर मिलके बात करेंगे, ऐसे जबरदस्ती तो कुछ नहीं करा सकते, बट हाँ आप ही को बेचेंगे आके। हाँ। आप ही खरीदोगे? आप ही हमसे 10 करोड़ में खरीदोगे? पीयूष, डील पक्की है। Congratulations. Thank you. I had not expected it. Congratulations. Oh my God. Pushes. Thank you so much. And Isak Zada. Congratulations. हम ऐसे बहुत सारी अब आप चिंता मत करिए, फिर बड़ा ही बनाएंगे। Thank you. My God. I'm so happy to meet all of you. Same here. Same here. Thank you. Spread your fragrance all over the world. Congratulations.
Yeah, quite a 50%. Deal, man. 50%. Actually, believe ही नहीं कर पा रही हूँ अभी तो. पहले भी ये फाइट करके यहाँ तक पहुँची है तो फाइटर तो है जी। और रिसेप्टिव टू फीडबैक भी लगी मुझे हाँ, ये नहीं बोला कि मैं अपनी फेवरेट हूँ राइट मेरी चाची ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उनको उनका ड्यू जो है वो मिलना भी चाहिए वो मैं उनसे लेना नहीं चाहती हूँ बट पीयूष कैन हेल्प इट हेल्प मी टेक द बिजनेस टू न्यू लेवल्स तुम तो रियल शार्प निकले 50% पहली बार 50% आप co-founder हैं अब कंपनी में हाँ अब लेंस कार्ड में ठीक है कितनी इक्विटी है अब ये co-founder इसक कहलाए जाएंगे शार्क्स के सामने अपना बिजनेस आइडिया लिए अब तक कई एंटरप्रेन्योर्स आए लेकिन हमारे अगले पिचर टैंक में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने आ रहे हैं आइए देखते हैं क्या इनके प्रोडक्ट में है वो बात जिससे इंप्रेस होंगे हमारे शार्क्स नमस्ते सर मैं रमेश पटेल मैं चंद्रकांत पटेल और मैं जय उमरेटिया शार्क्स हमें पता है जब हमारे घर पे बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुशियों का माहौल छा जाता है लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है जैसे कि बच्चों को खाना खिलाना उसको नहलाना उसको सुलाना उसको झूला झुलाना और उसका मनोरंजन करना और ये सब करने में पेरेंट्स को अपना 100% अटेंशन देना पड़ता है ऐसा ही कुछ रमेश जी के साथ हुआ जब उसकी यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो जब बच्ची जन्मी तब उस खाना पीना ना तो सब भाभी जी संभाल लेती थी लेकिन जब उसको झूला झुलाने का काम उसके भाग में आता था भी रात को जग जाती थी तो उसको भी उठना पड़ता था और ये सब करने में उसे बहुत ही कंटाला आता था तो फिर एक दिन मेरे पास वो जब आए थोड़े दिन के बाद तो फिर वो बोलने लगे कि अगर अपने आप ये झूला झूले ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या आप मेरे पीछे वो 1.5 साल लगे रहे और फिर इस आइडिया पे मैंने काम शुरू किया और 7 साल के बाद जन्म हुआ इस झूला का सर मैं किसान परिवार से हूँ मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज झूला का आपके सामने फर्स्ट बार लॉन्च कर रहा हूँ हम लोग रेज कर रहे हैं 10% इक्विटी के बदले 50 लाख तो शख्स क्या आप हमारा इनोवेशन देखना चाहेंगे बिल्कुल जरूर दिखाइए सो अभी ये झूला ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और इस झूले को हम इस मोबाइल फोन से ही ऑपरेट कर सकते हैं हमको ये झूला झूलाना स्टार्ट करना है तो हम इसके अंदर स्विंग कंट्रोल ऑन कर सकते हैं ये झूला 15 सेकेंड में अपने फुल स्पीड पे झूलना स्टार्ट हो जाएगा स्पीड बढ़ेगा यस इस तरह से हमने इसके अंदर फैन और लाइट भी लगाए हुए हैं अभी इस झूले को मैं ऑफ करूंगा जब ये ऑटोमेटिक मोड पे है तब झूले का रुकते ही फैन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ये झूला झूलना स्टार्ट होगा वैसे ही ये फैन ऑफ हो जाएगा इसके अंदर हमने एक वेइंग स्केल इंक्लूड किया है जिसकी मदद से पेरेंट्स अपने बच्चे का वजन इस झूले में ही नाप सकते हैं वाओ मेजर बटन पे टैप करते ही ऐप के अंदर और झूले में लगी हुई स्क्रीन के अंदर बच्चे का वेट आ जाएगा अरे वाओ और अगर बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स अपने फोन से ही इस झूले में लोरी सुना सकते हैं मछली जल की हैरानी जीवन उसका है और अगर बच्चा सुसु करेगा तो ये झूला पेरेंट्स को उनके फोन में नोटिफाई करेगा ये वेट डिटेक्शन में नो लिखा हुआ है वो यस में तब्दील हो जाएगा इसके अंदर हमने और फिजिकल फीचर्स भी लगाए हुए हैं जैसे कि अगर इस झूले को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हमने इसमें टायर सिस्टम लगाया हुआ है बहुत कुछ सोचा आपने झूला कम बेबी सिटर दोनों का काम किया बहुत सोचा तो टायर सिस्टम ऑन करते ही एक पर्सन इस झूले को आसानी से मूव कर सकता है बच्चे को अंदर बैठ के भी झूला झूल सकता है उसके लिए झूले का आगे का हिस्सा खुल जाएगा 6 साल तक का बच्चा इसके अंदर आराम से पैर फैला के झूल सकता है तो रमेश जी चंद्रकांत जी और जय कैम छो तो इसको हम गुजराती में इंचको बोलते हैं ना हाँ इंचको बेसिकली मुझे ये कहना है कि गुजरातियों की एक खासियत है कि कहाँ भी हो दुनिया के कौन से भी कोने में हो आपके घर में एक इंच का होता है
पक्का होना है और वो टोई टोई वो उस पे चलते रहता है। मेरे घर पे भी है बाय द वे। क्या होता है इंच का भाई? हिच का स्विंग स्विंग स्विंग। आप जरा बताइए ये आपको काम आया अपने बच्चे की परवरिश में कि आपने पहले सोच लिया था कि नहीं इसका बिजनेस बनाएंगे? नहीं सोचा नहीं था सर। अच्छा काम भी नहीं आया मेरे बच्चे क्या है कि मैं एक बात जो पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं। अच्छा बाद में जो रिजल्ट आए वो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो आप ढीठ किसान हो। अभी आपकी कोई सेल है, बेचते हैं आप इसको? नहीं सर, इसमें थोड़े सर्टिफिकेट्स है जो कंप्लायंस करने, उसका कुछ कैपेक्स होगा इसके अंदर। ये प्रोटोटाइप है और एक ही प्रोटोटाइप बनाया है और वो लेके आया है, सही बात? सही। और आप लोग कहीं नौकरी कर रहे थे लास्ट 7 साल क्या? आप यही कर रहे थे? नहीं, ये जी किसानी है तो वो तो खेती अभी भी कर रहे हैं। चंद्रकांत जी है वो OEM मैन्युफैक्चरिंग करते थे, रेगुलेटर वगैरह, LED लाइट्स हो गया। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, टेलीकॉम किया है मैंने। तो जॉब वो वाली छोड़ दी आपने, बंद कर दिए? अब नहीं कर रहे हैं? नहीं वो कर रहे हैं, स्टेप स्टार्ट है। हम लोग का कुछ रेवेन्यू नहीं है तो हम लोग आए हैं सास के पास कि अगर इसके अंदर हम आगे इसको लेके जा पाए वेंचर को तब हम अपना जॉब छोड़ेंगे, छोड़ सकते। आपने कुछ बच्चों के साथ ये प्रोडक्ट टेस्ट किया है? हाँ किया है मैडम, मेरे पांजे के साथ ही। ये उसको ही अंदर बिठा के वो क्या क्या हरकतें कर रहा है वो सब हमने उस पर दिखा कि ये क्या कहाँ इसको छू रहा है तो इसको दिक्कत आएगी, वो सब हमने इस पर देखा। क्या उसकी माँ से या उसके पिताजी से जो एज अ कस्टमर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे उनसे आपने फीडबैक लिया या अपनी वाइफ से आपने पूछा हो जब आप झुला रहे थे तो? नहीं मैम, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। अरे अच्छा, आपने अपनी वाइफ से फीडबैक? नहीं मेरे वाइफ को तो पता ही नहीं है, मैंने इतना सीक्रेट रखा है मैडम। मेरे वाइफ को पता ही नहीं है। खुफिया झूला। आप बहुत समझदार आदमी। बड़े सीक्रेटिव आदमी है। अभी इधर मैं आया हूँ फिर भी मेरे घरवाली को पता नहीं है कि मैं इधर आया हूँ। तो उनको आप शो देख के पता चलेगा कि आप इधर आए? तो पता नहीं है शो में आए। तो फिर घर जाके क्या होगा? बॉम्बे घूमने आए हूँ। अच्छा वाह, कमाल के बंदे यार, कमाल करते हो। क्यों आप डरते हैं उनसे? नहीं डरते नहीं, औरत लोग हो उसके पेट में बात छुपी नहीं रहती। ये बनाने में आपने कितना पैसा लगाया है? टोटली 25 लाख कर हमने उसका। 25 लाख ये बनाने में लगा है? हाँ ये 7वां मॉडल है हमारा, क्योंकि सर इसमें हमने पैटर्न राइज वगैरह लिया हुआ है, राइट्स वगैरह, तो उसका पैटेंट भी ले लिया आपने? हाँ पैटेंट भी ले लिया है। 25 लाख रुपए लगा दिया आप? हाँ, सर। आपकी क्या काफी अर्निंग है कि आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट में लगा दिया या ये सब कुछ लगा दिया आपने लाइफ की अर्निंग इसमें? नहीं सब कुछ लगा दिया। तो ये आसान रहा 25 लाख रुपए लगाना? नहीं आसान नहीं है, पसीना आ गया। तो अब कुछ पैसा बचा है या सब? नहीं सब सब कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए सर हम इसके अंदर प्रोडक्शन में नहीं जा रहे ना, लाइक ये 2019 से बना हुआ है। अभी इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको बनाने में और सेल्स प्राइस क्या रखोगे आप? तो हम लोग ने इसको सोचा है जैसे ही हम लोग को रिस्पांस मिलेगा, इधर किकस्टार्टर और ऑनलाइन विशलिस्ट बनाएंगे व्हाटएवर, उस हिसाब से लेट्स से कि ऑर्डर आया इन मल्टीपल ऑफ 10 तो उसका एक प्राइस है विच इज अराउंड 45,000 to 50,000 rupees हमारा कॉस्ट एक बनाने का। हाँ अगर हम इन मल्टीपल ऑफ 10 बना रहे हैं, हमको इनको इन मल्टीपल ऑफ 100 बनाने हैं तो इट विल गो डाउन टू 40,000, अगर इसको इन मल्टीपल ऑफ 1000 बनाएंगे देन अराउंड 35,000। और बेचोगे कितने में? ये इंटरनल प्लान है 80,000 to 1 lakh के बीच में हम लोग। तो मेरा डिसीजन बन गया है, आपने जो फीचर्स ऐड किए हैं, 80,000 to 1 lakh का झूला बेचना चाहते हैं यंग लोगों को, तो उनको जिन्होंने ये नैपी वाला अगर डायपर में है तो उनको समझ नहीं आएगा। तो 1 lakh वाले इंसान के घर में एसी होता है अपने बच्चे के लिए तो वो ना फैन यूज कर पाएगा, जो लोरी वाला फीचर है, मतलब ये काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स बना के आपने एक वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड सफेद हाथी बना दिया है, जिसमें बहुत सारी वो चीजें हैं जिसकी कंज्यूमर को वैल्यू नहीं है। आपके लिए ये बहुत पैशनेट दिल का प्रोजेक्ट है जिसमें आपने 25 लाख डाला है, तो आई फाइंड दैट वेरी इंस्पायरिंग। पर मेरे लिए ये बिजनेस सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसकी अप्रोच मुझे लगता है सही नहीं है, इसमें बहुत सारे फीचर्स बना के ये इतनी महंगी प्रोडक्ट बन गया। एक मिनट, मैंने भी डिसीजन बना लिया है पर उसके पहले मैं एक कहना चाहूंगी, जिसे भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक ड्रीम है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ सेविंग्स उसमें डालने से पहले एक कस्टमर सर्वे किया जाए
कि कितना नीड है, और सेकेंडली एक प्राइसिंग और कॉस्टिंग का अंडरस्टैंडिंग किया जाए कि लोग पे करेंगे ये प्राइस के नहीं। अभी आपके प्रोडक्ट में जुनून है, पैशन है, मैं इंस्पायर हो गई, ग्रेट, लेकिन 1 लाख का झूला अगर आपको स्केल करना है तो इंडिया में कोई ये पे नहीं करने वाला है। पैशन एक जगह होती है, जैसे मैंने कहा उम्मीद और सेल्स के बीच का जो फासला होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसकी वजह से मैं आउट। तो साथ एक्चुअली ये हमारा टॉप मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे हमको लेके आना था, तो हम लोग ने जो भी फीचर्स बनाए थे और सोचे थे वो चीज़ इसमें रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यही मॉडल सिर्फ मार्केट में बेचेंगे, इसमें से सभी फीचर्स मॉड्यूलर हैं। जैसे फ़ैन है तो कंपलसरी नहीं है कि फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही देना है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप कितना भी निकालेंगे तो 1 लाख का 80,000 होगा या 70,000 होगा, फिर भी कितना आप इसको बेच सकते हैं 10,000 रुपए में, दैट इज द क्वेश्चन। इसके 3 वेरिएंट या 6 वेरिएंट एज पर द मार्केट नीड अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसको 25,000 में सेल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, अब सारा कुछ निकाल नहीं, ऑटोमेटिक होगा सर, क्योंकि ऐप बनाने का फीचर तो बहुत से प्रोडक्ट में है। अभी मेरी बेबी है 4 साल की, उसके लिए एक ऐसा ही झूला है, वो सोने वाला नहीं है, सिर्फ बैठने वाला है। ओके। वो ऑटोमेटिक पूरे दिन अप एंड डाउन करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, और वो आया था सिर्फ कुछ 8-10 हज़ार रुपए। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि आप जाके किसी कंपनी को, आपका पेटेंट आ गया है, ऐसे कोई चुरा तो सकता नहीं है, आप जाके किसी जो कंपनी है जिसको इसको आगे बेचना आता है, इंटरनेशनल कंपनीज है, फिशर प्राइस है, और भी बहुत कंपनीज है, उनको जाके आप ये डिजाइन दीजिए, उनके साथ पार्टनरशिप करिए। भले ही आप उनके साथ रॉयल्टी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि पर झूला जो बिकेगा आपको एक सर्टन पैसा मिलेगा, 25 लाख का आप इसमें से बहुत पैसा कमा सकते हैं, या वन टाइम वो आपको कुछ पैसा दे देंगे, आपने 25 लाख लगाया, हो सकता है आपको 1-2 करोड़ रुपए देके वो आपका डिजाइन ले लेंगे, पेटेंट ले लेंगे, आपका जुनून का जुनून हो गया, आपका 7 साल का मेहनत भी काम आ गया, और फिर आप एक नेक्स्ट जुनून पे अपना काम कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ खराब हुआ है, पर आज मैं बाहर। मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रोडक्ट अभी ऐसा है कि मैं 1 लाख रुपए में इसको अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहूंगी, तो आज के लिए मैं आउट हूँ। बट बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं ना एक्चुअली एक तो बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ पैनल से कि आपने बहुत कुछ डाल दिया ये प्रोडक्ट। मेरी जैसे मैंने कहा 4 साल की बच्ची है, तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने एक्सपीरियंस किए वही एग्जैक्टली आपने वो 5-6 चीज सॉल्व की है, तो आपने एक्चुअली इसको बड़ी गहराई से सोचा, मेरा ये मानना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, आपका कॉस्ट और सेलिंग प्राइस बहुत हाई है, तो लाइसेंसिंग आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। हाँ सर, है ना, तो इसलिए मैं आपको आज फंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप बहुत बहुत सफलता पाएं। जो आपने अभी फीडबैक दिया वही पे हम लोग जाएंगे कि जो कंपनीज को आप कनेक्ट करने की बात कर रहे हो कि उसको आप लाइसेंस कर सकते हैं, और अगर वो कंपनीज से बात हो पाए तो हम लोग लाइसेंस, तो उनसे बात करने में आपको मदद चाहिए। तो वैसे तो मुझे लगता है कि इस शो के बाद आपको कंपनीज कॉल करेंगी, पर अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं शो के बाहर आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और भाई पैटर्न पब्लिश हो गया ना अभी, तो अभी इसको तोड़ दो, किकस्टार्टर पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, सब जगह करो, पीआर होने दो इसका, अपने आप लोग आएंगे आपके पास, बिल्कुल अभी छुपे मत रहो, 7 साल हो गए भाई। सो वी विश यू द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम ये शार्क टैंक शो पे आ गए तो हमें देखने मिल रहा है, नहीं तो हमको सिर्फ IIT IIM वाले पिचेस मिलते हैं, ये लोग मिलते नहीं, ये पहुंच नहीं पाते हैं हमारे पास। इंडिया भरा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स, हर घर में एक छोटा सा बिजनेस है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। नमस्ते शार्क्स, मैं रानोदीप। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं विजय कुमार। नमस्ते, और हम रेयर प्लैनेट के को-फाउंडर्स हैं। शार्क्स, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कुल्लड़ में क्या डिफरेंस है?
ये दोनों कुल्लर सेम कारीगर के हाथ में ही बने हुए हैं, बट ये हम 10 रुपए का बेचते हैं और ये 450 का। ये साधारण प्रोसेस में बनाया हुआ कुल्लर है और इसको कारीगर ने स्पेशली बनाया है। अपने देश में हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है, बट ये जो आर्ट एंड कल्चर हर 100 किलोमीटर में चेंज होते हैं, ये करेक्ट जगह पे करेक्ट प्राइस पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो रेयर प्लैनेट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देता है इन कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग 4 एयरपोर्ट लोकेशंस और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सामान बेचते हैं, जिसमें टेराकोटा, सेरामिक, कॉपर, स्टूडियो पॉटरी है। आज हमारे साथ करीबन 10,000 कारीगर जुड़े हुए हैं। शार्क्स, हम लोगों का ये विजन है कि रेयर प्लैनेट के थ्रू हम देश के सारे कारीगरों को टच करना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। आपके प्रोडक्ट्स दिखाइए। हाँ जी, दिस इज माइक्रोवेव सेफ, डिश वॉशर प्रूफ एंड यू कैन वॉश इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, द पेंट वोंट गो ऑफ। वाओ, ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी। एक आध प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे? मैम, जैसे अपना कॉपर बॉटल है, तो कॉपर बॉटल कम्स एट 1799। वाओ, तो राहुल दीप जी और विजय कुमार जी, नमस्कार। वैसे कोइंसिडेंस बोलिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं गोवा एयरपोर्ट थी, इतने सारे वहां स्टॉल्स थे, बट मैं आपके स्टॉक के अंदर गई और वहीं मैं काफी देर तक, मतलब निकलना मुश्किल हो गया। तो जस्ट कॉल इट डेस्टिनी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2015 में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्चुअली घर पे बहुत पैसे की कमी थी, तो जो बेसिक मिट्टी का कुल्लर है उस पे पेंट करके मेलों पे बेचता था। तो उसी से आई यूज्ड टू गेट मनी टू फंड माय इंजीनियरिंग। मैं बाद में बना, पहले तो मैं बंगाली हूँ और मेरे भी मम्मी पापा ने बचपन से पेंटिंग 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 करवाया है। एक ही गांव में गया था, जब उन कारीगरों को देखा तब वो यूरेका मोमेंट था, जब मैंने लगा कि यार इनके साथ परिवार बन के काम करना है। फर्स्ट 7-8 महीने तो बहुत मुश्किल थे, माल दिख नहीं रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम रिटेल में बेचना शुरू करें। तब एक बुक स्टोर है कैलकाटा में, पार्क स्ट्रीट में, उसमें एक छोटी सी जगह मिली और फर्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख का सामान बेचा था। मैंने धीरे धीरे सारे बुक स्टोर को कवर किया। फिर रियलाइज हुआ कि अपना जो सामान है वो बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट में बिकेगा। तो फिर मैंने निकाला कि एयरपोर्ट में कौन रिटेलर है जो ऐसा सामान बेचता है। जो मेरे को-फाउंडर है विजय जी, वो एयरपोर्ट के ही रिटेल में लास्ट 10 साल से थे और वैसे ही मैं उनसे मिला। आज अपना मिट्टी भी चाइना के सिरामिक के साथ एक लेवल पे खड़ा होकर कमांड कर सकता है। ये जो आप कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना परसेंट सेल्स आपका एयरपोर्ट, विच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है, और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं? हमारे पास सब मिला के अराउंड 6,000 SKUs है। अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 करोड़ था। अब एक, well done. Thank you so much, sir. अब 1 करोड़ में से 78 लाख was closely from our retail and बाकी जो पोर्शन था वो डिजिटल से था। आपके पास इसके पहले कोई इन्वेस्टर है चुका है कि we are the first investors? 2019 we raised our first round of funding. कितना रेज किया आपने? 1.25 crore. महीने का कुछ 4 से 5 लाख के आसपास था। फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया। उस टाइम वी रेस 2.5 crore.
रेयर प्लैनेट प्लेटफॉर्म देता है कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। जहां तक मैं ये काम को समझता हूँ, इसमें दो डिफरेंट लेवल है। एक तो है बहुत से लोग ये छोटी छोटी बिजनेसेस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट का, और फिर एक तो कंपनियां ऐसी है, वन इज लाइक बॉम्बे स्टोर है, और एक दूसरी एक कंपनी है जो अभी पब्लिक गई है, फैब इंडिया। तो ये काम वो स्केल पे भी किया जा सकता है, राइट? आपके अप्रोच में ऐसा क्या है कि आप वहां तक पहुंचेंगे? एक तो ये B2B वाला सेक्शन है, फिर है जो हम लोग अपने खुद के वेबसाइट से जो बेचते हैं, एंड देन वी हैव कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। एयरपोर्ट्स वी आर टारगेटिंग बिकॉज व्हेन कोविड हैपेंड बहुत कंसेशनर्स निकल गए एयरपोर्ट से। हम इस टाइम पे अगर घुसते हैं और लिमिटेड लोग फ्लाई कर रहे थे, उसमें अगर हम रेवेन्यू ला सकते हैं एंड द नंबर्स विल कॉन्स्टेंटली ग्रो फ्रॉम हियर। नहीं, इसमें एक बात है, अभी फेस्टिव सीजन था तब जाके 1 करोड़ का सेल हुआ बिकॉज गिफ्टिंग वॉज वेरी बिग। हाँ सर, इसके बिना आपको लगता है 1 करोड़ मेंटेन होगा? सर उससे ज्यादा मेंटेन होगा। नंबर्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है। आज अगर मार्केट पूरा खुल गया, अगर आप फुल कैपेसिटी में जाएंगे, भी हमारा पास तो 4 एयरपोर्ट है। आज अराउंड 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट कंफर्म हुआ, टेंडर हम जीत गए। कांग्रेचुलेशंस। फैंटास्टिक। और हर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल 100% डे 1 से बिजनेस गारंटी। वेरी नाइस। 11 एयरपोर्ट से हमारा बात चल रही है, तो इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ वी शुड। आईड लाइक टू इंटरप्ट यू, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा। मैं पैसिव इन्वेस्टर नहीं बनूंगी, मैं आपको बहुत सारे मेरे नेटवर्क्स, टाइम, एक्सपर्टीज दूंगी। तो मेरा ऑफर है 65 लाख बट फॉर 5% इक्विटी फॉर मी टू फील कि मेरा स्किन इन द गेम है। ये बहुत नेशनलिस्टिक पर्पस है। धोनी एंड माई हस्बैंड, हम बहुत ही सक्सेसफुल थे इन द US इन आर जॉब्स, लेकिन हम इंडिया आए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन नेशनलिस्टिक फीलिंग। और आप में भी मुझे वो ही दिख रहा है, तो आई थिंक काफी सारा कोइंसिडेंसेस और डेस्टिनी, अगर आप बोलना चाहें। ओनली लैक ऑफ कोइंसिडेंसेस 13 करोड़ वर्सेस 65 करोड़। बट लाइक लेट मी टेल यू, आपको दूसरे इन्वेस्टर्स जो मिलेंगे वो पैसिव मिलेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, लेट देम जस्ट फिनिश दैट। आप अपना प्लान बता रहे थे, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, तो उसका अप्रोच और प्लान। बट प्लान बताने से पहले प्लीज याद रखिए, आपको किसी ने ऑफर दिया है तो कितना कन्विक्शन है आपके सोच और आपके पैशन में। तो डिसीजन बनाने से पहले वो जरूर आप याद रखिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। आई एम क्वाइट नाउ। ऑफर आपके लिए नहीं मिला है, ऑफर मिला है आपके आंकड़ों के लिए। कितने मटेरियलिस्टिक नंबर्स ड्रिवन लोग हैं यहाँ देखो। मेरे जैसे नहीं है, मैं दिल से सोचती हूँ। हम साफ बात करते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं करते। बस मैं उल्टी सीधी बात नहीं कर रही हूँ। प्लान बताइए, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी है, आप में दिलचस्पी। रेयर प्लैनेट प्लेटफॉर्म देता है कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। प्लान बताइए, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी है, आप में दिलचस्पी है। Once this airport game is done, we have slowly started coming into mall stores as well. We have not started. We are yet to start with Sarat City Capital. So Hyderabad में. हाँ. Lovely mall. पहला mall है जिसमें हम वो 200 square feet का concept try करने वाले हैं. आगे चल के कपड़े और furniture वगैरह भी करोगे? कपड़े is something which we hope to do in next 5 years. क्योंकि scalable अगर बनाना है तो ये कारीगरी के beyond जाना पड़ेगा. Yes, sir. It has to be that omnipresent brand which will not only sell this. It has to has fragrance. It has to has clothes. It has to has spices, so home and living. Yes, home and living. 1 crore में profit कितना? तो last month किया था, sir. Last month में करीबन 12-13 lakh का we are net बचा है. Net बचा, तो इतना हंसे क्यों आप? हम लोग actually और एक sorry expect कर रहे थे, हम लोग पीछे that
शार्क्स एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, मैंने बोला था नहीं पूछेंगे, ये बोला था जरूर पूछेंगे। शार्क टैंक पे आए हो, शार्क मच्छी तो खाएगा नहीं? हाँ सर, तो थोड़ा सा मछलेवा मच्छी है। एयरपोर्ट को कितना परसेंटेज दे देते हैं आप रेवेन्यू में? सर डिपेंड करते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बट अगर एवरेज में पकड़े तो 28 से 30%। तो 30 लाख में से 9 लाख रूपए तो एयरपोर्ट के पास ही चला जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज तो खाली रेंट में ही चला जा रहा है बिजनेस का? सर वो तो है, बट दैट इज द कॉस्ट वी हैव टू बेयर टू बिल्ड अ ब्रांड बिफोर वी कम इनटू मॉल्स। मॉल में जो कंज्यूमर आता है वो शायद गिफ्टिंग के लिए उतना नहीं आता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आता है। 1800 का प्राइस पॉइंट ना हाई है, वो एक लग्जरी ब्रांड में फिट होता है। यहाँ आपका जो क्लिक हुआ वो एयरपोर्ट पे इसलिए हुआ बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत यू नो प्रेशर होता है गिफ्टिंग का, तो वहाँ पे लोग दिमाग नहीं लगाते हैं प्राइस का, वो लोग 1800 मुझे घर कुछ लेके जाना है। इसका सेल्फ कंजम्पशन मार्केट, और मुझे लगता है इसका डिजिटल स्केल करना मुश्किल है अंटिल आप ब्रांड एस्टेब्लिश कर लें। तो इस रीजन के लिए मेरे लिए अभी फिट नहीं है, तो फॉर रीजन आई एम आउट, बट very impressed by what you. Thank you. मैं विनीता से थोड़ा सहमत हूँ इस चीज पे, आपके ना प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत है, मतलब ये बॉटल मैं अपने घर पे जरूर रखना चाहूंगी, पर ये बॉटल ना मुझे ये नहीं बताती कि किस ब्रांड का बॉटल है ये। कल को अगर आपका डिजाइन कोई और कॉपी कर लेता है तो ये इतना छोटा सा ब्रांड का नाम लिखा हुआ यहाँ पे, मुझे नहीं पता आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट पहचानेंगे या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो मेरे वो कुछ डाउट्स हैं, उन रीजन से मैं आउट हूँ, आई एम सॉरी। मैं भी अपना डिसीजन बना चुका हूँ। एयरपोर्ट डिपेंडेंसी जो है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव है अभी इसमें। थोड़ा सा बिजनेस में प्रूवन आ जाए कि रिटेल में भी चल सकता है और ऑनलाइन में भी ज्यादा चल सकता है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम इनटू दिस बिजनेस, पर आज मैं बाहर हूं। आउट। आपका 10% मार्जिन आज की तारीख में चल रहा है, लेकिन आपका जीएनए कॉस्ट कितना है? जो आपकी टीम है कॉर्पोरेट टीम कितनी बड़ी है? सिर्फ आप तो नहीं सर, अराउंड 13 लोग हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। खर्चा कितना है सब मिला के? 3 लाख। तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका खर्चा कम है इसलिए आपका 10% मार्जिन दिख रहा है। ये मॉडल में आपका मार्जिन 2-5% होने वाला है। मुझे 3-4 चीज मैं देखता हूँ जनरली, आई कॉल इट 3 T's और 4 T's, आप जैसे भी देखना चाहें। एक तो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मार्केट बड़ी है कि नहीं? मार्केट बहुत बड़ी, ये प्रूव हो गया है। टाइमिंग भी, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक, टू अर्थी स्टफ, है ना? सो टाइमिंग भी ठीक है, लेकिन टीम जब मैं देख रहा हूँ मुझे ये नहीं लग रहा है कि ब्रांडिंग आपकी स्ट्रेंथ है। और जब तक आप ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे, आप मार्जिन नहीं बना पाओगे। तो आई एम वेरी सॉरी, लव व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन आज मुझे आउट होना होगा। गुड लक। थैंक यू सर। आई एम स्टिल देयर एंड माय चेक इज रेडी। इन्होंने आपको रीजंस बताए जो वीकनेसेस है, एंड मैं 100% इनसे अग्री करती हूँ। ये बिजनेस में और बहुत काम लगेगा इसे इंडिया में स्केल करने और एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस करने, और वो टाइम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आप सोच लीजिए। मैम फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग अस द ऑफर। फर्स्टली बोला है मतलब काउंटर आ रहा है। एंड वी हैव अ काउंटर ऑफर। To be honest, we really want you, and 5% is okay, ma'am. We are ready to take 5%, but I want 2 crore. Double? नहीं 65 lakh के बदले 2 crores. मैम 5% का आपका कॉन्स्टेंट है. नहीं 65 lakh के ऊपर तो मैं जाऊँगी नहीं. पुराना वैल्यूएशन जो 40 करोड़ का वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन पे भी we are ready. We don't even want a hike. लेकिन आप शार्क टैंक पे आए हो, आपको इतना बड़ा मंच मिला है जी। आपको कुछ तो गुंजाइश रखनी पड़ेगी ना मेरे भाई। मेरा चेक रेडी है, तो आप जरा बता दीजिए। आई थिंक 5 इन माय माइंड फॉर व्हाट आई ब्रिंग इज अ फैंटास्टिक ऑफर। Right.
It means a lot to me too, and you're Thank doing you so much. Fabulous Thank work. Thank you so much. And I can't wait to make this a big pan India and global brand. Right? Thank you so much. Love you. Congratulations. Congratulations. Well done, well done. 12 करोड़ का साल का धंधा है आपने 21 करोड़ में ले लिया. This brand will do very well. It's not bad. I think अच्छा डील मिला है. अच्छा डील मिला है. And thank you Sharks for your help in convincing him to take my number because it wasn't easy for him. बंदे ऑपरेशनली अच्छे. आपने मेरी बहुत मदद की इसके लिए धन्यवाद.